डियर स्टूडेंट्स, कल हम बातचीत कर रहे थे रिंग में, थोड़ी और डेफिनेशन और एक थ्योरम भी स्टार्ट की थी। आज थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम करना चाहते हैं, थ्योरम नंबर 2। क्या है कि ये सिद्ध कीजिए कि बल आर शून्य भाजक रहित होगी यदि और केवल यदि आर में निरसन नियम लागू होते हैं। माना स्टेटमेंट आप स्वयं लिखिए, मैं सिद्ध कर रहा हूँ सीधे ही प्रूफ। माना आर प्लस डॉट एक रिंग है, वलय है, ठीक है। ये भी मान लिया कि माना आर, या पहले मैं लिखूँ आवश्यक प्रतिबंध या पार्ट फर्स्ट, आवश्यक प्रतिबंध नेसेसरी कंडीशन या पार्ट फर्स्ट इफ एंड ओनली इफ है ना इसमें, तो इसको दो भाग में हम सिद्ध करेंगे। पहले मान लें कि माना आर शून्य के भाजक रहित, अर्थात कि ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज आइदर a इक्वल टू जीरो और b इक्वल टू जीरो, या तो a बराबर जीरो या b बराबर जीरो, यही कंडीशन है भाजक रहित की। सिद्ध करना है कि r में निरसन नियम काटने के नियम कैंसिलेशन लॉज लागू होते हैं। क्या होंगे आप लोग जानते हैं, योग संक्रिया के लिए तो अबेलियन ग्रुप है, कल भी हमने थ्योरम में काम में लिया था काटने के नियम, तो अबेलियन ग्रुप में तो काटने के नियम लागू होते हैं। डॉट संक्रिया के लिए ये ग्रुप नहीं है, आप लोग जानते हैं डॉट संक्रिया के लिए सिर्फ दो ही गुणधर्म थे, कौन कौन से, कुसमरता और दूसरा सहचर्यता। क्लियर है ये लाइन है? तो हमें जो सिद्ध करना है वो किसके लिए करना है, गुणा संक्रिया के लिए सिद्ध करना है, अर्थात हमें ये सिद्ध करना है कि a डॉट b इज इक्वल टू a डॉट c इंप्लाइज b इज इक्वल टू c, जहां a इज नॉट इक्वल टू जीरो। इसी प्रकार एवं ये तो कौन सा है, लेफ्ट साइड से काटा है a को मैंने, b a इज इक्वल टू c a इंप्लाइज b इज इक्वल टू c, जहां a इज नॉट इक्वल टू जीरो। क्लियर है ये लाइन है? How we can show माना a b c r के अवयव हैं, जहां a is not equal to zero, एवं माना a dot b is equal to a dot c, am I right? हमें सिद्ध क्या करना है, b बराबर c। कैसे सिद्ध करें, मैं इसमें यूं लिख लूं a dot b माइनस ए डॉट सी इज इक्वल टू जीरो, जो कल फर्स्ट थ्योरम कर रहे थे उसके अनुसार हम दोनों तरफ माइनस ए डॉट सी जोड़ लें या डायरेक्ट यूँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है ये लाइन है? और मैं इसे जो लिख सकता हूँ, ए कॉमन ले लूँ, बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो बंटन नियम से। क्लियर है ये लाइन है? बंटन नियम कल जो फर्स्ट थ्योरम थी उसके आगे वाले जो पार्ट थे उनमें यही लाइनें थी। क्लियर है ये लाइन है? अब चूंकि ये दिया हुआ है शून्य के भाजक रहित है, तो a dot b is equal to zero, then either a is equal to zero or b is equal to zero, so a dot something is equal to zero implies either this is equal to zero or this is equal to zero. Clear है ये लाइन है? a is equal to zero या b minus c is equal to zero, क्यों? क्योंकि r ये हमेशा नहीं लिख सकते। कल हम डेफिनेशन कर रहे थे कि शून्य के भाजक क्या होते हैं, a dot b is equal to zero, then a a is not equal to zero, b is not equal to zero, but it may be a dot b is equal to zero. इसका मतलब क्या होता है कि a and b are the zero divisors. लेकिन यहाँ zero divisor नहीं है, रहित है ये. इसका मतलब either a is equal to zero or b minus c is equal to zero. क्योंकि r without zero divisor है, या शून्य के भाजक रहित है, without zero divisor है. लेकिन हमें दिया हुआ है कि a तो शून्य नहीं है, a is not equal to zero, अतः पक्की बात हो गई क्या होगा,
B माइनस सी इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज B इज इक्वल टू सी, यही हम सिद्ध करना चाहते थे। क्लियर है ये लाइन है तो मेरे हिसाब से समझ में आई होगी जो मैं कहना चाहता हूँ। इसी प्रकार हम इसमें भी लिख सकते हैं, क्लियर है ये लाइन है, यहाँ ये इस साइड में कॉमन आ जाएगा, क्लियर है ये लाइन है, तो लिखने की जरूरत नहीं, परीक्षा में डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी प्रकार B डॉट A इज इक्वल टू C डॉट A इंप्लाइज B इज इक्वल टू C जहाँ A इज नॉट इक्वल टू जीरो को, और अतः R में कैंसिलेशन लॉज निरसन नियम लागू होते हैं। सफिशियंट कंडीशन पर्याप्त प्रतिबंध या पार्ट सेकंड माना आर में निरसन नियम लागू होते हैं, ठीक है। सिद्ध क्या करना है, आर शून्य के भाजक रहित जो यहाँ माना था वो अब सिद्ध करना है, क्लियर है, जो यहाँ सिद्ध करना था वो हमने मान लिया है। सिद्ध करना है आर शून्य के भाजक रहित विदाउट जीरो डिवाइजर, माना ए एंड बी बिलोंग्स टू आर, क्लियर है ये लाइन है, माना ए इज नॉट इक्वल टू जीरो एवं ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, क्लियर है ये लाइन है। दो चीजें हमने मान ली कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो देन एंड ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, हमें सिद्ध क्या करना है, या तो ए बराबर जीरो या बी बराबर जीरो, लेकिन ए शून्य नहीं है तो हमें क्या सिद्ध करना है, बी बराबर जीरो, क्लियर है ये लाइन है। कैसे सिद्ध करें, क्योंकि इसमें काटने के नियम लागू होते हैं, तो मैं इसको यूं लिखूं ए डॉट बी इज इक्वल टू ए डॉट जीरो लिख सकता हूँ, क्योंकि हम जानते हैं ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर। कल जो हम थ्योरम कर रहे थे, पहली थ्योरम का फर्स्ट पार्ट यही था कि ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो, और अब चूंकि ये शून्य नहीं है तो मैं काट सकता हूँ, क्या आ जाएगा बी इज इक्वल टू जीरो, क्योंकि आर में निरसन नियम लागू होते हैं एवं ए इज नॉट इक्वल टू जीरो है, तो ऐसा हम कर सकते हैं, क्लियर है ये लाइन। इसी प्रकार यदि b इज नॉट इक्वल टू जीरो तो a डॉट b इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज a डॉट b इज इक्वल टू जीरो डॉट b लिख सकता हूँ मैं ऐसा, क्लियर है ये लाइन है। सिंस वी नो जीरो डॉट a इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल a बिलोंगिंग टू r, और आई कैन नाउ कैंसिल द b a इज इक्वल टू जीरो अगेन बाय द सेम रूल, ठीक है ना, ये लाइन है यहाँ रिपीट कर दीजिए, और इसका मतलब आता है a डॉट b इज इक्वल टू जीरो इम्प्लाइज या तो a बराबर जीरो या b बराबर जीरो, दोनों में से एक जीरो अवश्य, यदि a जीरो नहीं है तो b जीरो है, b जीरो नहीं है तो a जीरो है, इट मीन्स क्या हो गया, ये शून्य के भाजक रहित, क्लियर है ये लाइन में। दिस इम्प्लाइज r शून्य के भाजक रहित है या विदाउट जीरो डिवाइजर है, तो मेरे हिसाब से समझ में आई होगी ये लाइन है। एक और महत्वपूर्ण थ्योरम किसी अन्य रूप में करना चाह रहे हैं, बीच की थ्योरम फर्दर बाद में करेंगे, थ्योरम प्रत्येक क्षेत्र पूर्णांकीय प्रांत होता है, प्रत्येक क्षेत्र पूर्णांकीय प्रांत होता है, लेकिन
इसका विलोम सत्य हो यह आवश्यक नहीं है। ऐसे तरह नंबर 6 है ये, ठीक है ना। माना आ प्लस डॉट एक क्षेत्र या फील्ड है, सिद्ध करना है आर प्लस डॉट एक पूर्णांकीय प्रांत यानी कि इंटीग्रल डोमेन, इंटीग्रल डोमेन है। क्लियर है ये लाइन? कल हम बातचीत कर रहे थे कि इंटीग्रल डोमेन के लिए भी कितनी शर्त होनी चाहिए, 11 शर्त होनी चाहिए, और फील्ड के लिए भी हमने ऑलरेडी बताया था कि क्या होना चाहिए, 11 कंडीशंस होनी चाहिए। क्लियर है ये लाइन? एक कंडीशन का फर्क दोनों में, बाकी 10 तो सेम। क्लियर है ये लाइन? 11वीं कंडीशन क्या है कि इसमें तो हर एक अवयव का इनवर्स विद्यमान है जो अशून्य हो, यानी कि एवरी नॉन जीरो एलिमेंट हैज द इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू द मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन। ये तो है फील्ड में, और इंटीग्रल डोमेन में क्या होना चाहिए कि इट शुड बी विदाउट जीरो डिवाइजर। क्लियर है ये लाइन? यानी कि हमें क्या प्रूव करना है कि इफ इट इज ए फील्ड देन इट इज आल्सो द विदाउट जीरो डिवाइजर। क्लियर है ये लाइन? तो मैं हम सिर्फ करेंगे कि आर प्लस डॉट विदाउट जीरो डिवाइजर है या शून्य के भाजक रहित है, विदाउट जीरो डिवाइजर है। क्लियर है ये लाइन? क्या करूं मैं? माना ए बी बिलोंग्स टू आर सच दैट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है ये लाइन? नंबर वन हमें क्या सिद्ध करना है, आइदर ए इज इक्वल टू जीरो और बी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है ये लाइन? कैसे सिद्ध करें? एक रास्ता तो यही, लेकिन ये रास्ता कब लागू होता है? जब ये शून्य के भाजक रहित हो। क्यों? अभी जब दिया है मैंने यहाँ पर, ठीक है ना। काटने के नियम लागू हो, सॉरी यही सिद्ध करना चाह रहे हैं ना, शून्य के भाजक रहित कब है ये? तो जब आर में काटने के नियम, तो फील्ड में क्या काटने के नियम लागू होते हैं? होते हैं, समझ में आ रही है मेरी बात है ये? तो आप चाहें तो इसी रास्ते को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन चूंकि किसी भी किताब में इस रास्ते को फॉलो नहीं किया हुआ है, ठीक है ना, इसलिए जो एग्जामिनर है अब उसको कितना आता है, नॉलेज कितना है, ठीक है ना। मैं वीडियो रिकॉर्ड हो रही है ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो, तो यहाँ हम काम करें कि मान लें कि ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम सिद्ध करते हैं बी इज इक्वल टू जीरो। क्लियर है ये लाइन? जैसे यहाँ किया है, माना ए इज नॉट इक्वल टू जीरो, अब चूंकि ए बिलोंग्स टू आर एवं आर एक फील्ड है, तो क्या होगा? इनवर्स होगा इसका, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए इनवर्स बिलोंगिंग टू आर सच दैट ए डॉट ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट ए नंबर 6। एम आई राइट? क्लियर है ये लाइन? ठीक है, तो मैं क्या करूं, एक से दोनों तरफ ए इनवर्स लगा दूं, ए इनवर्स डॉट ए डॉट बी इज इक्वल टू ए इनवर्स डॉट 0। एम आई राइट? क्लियर है ये लाइन? यहाँ तो मैंने क्या लिखा था, जीरो को ए डॉट जीरो लिख दिया, यहाँ ऐसा नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? काटने के नियम नहीं लगा रहे हम, इनवर्स जो इसमें विद्यमान है फील्ड का उसी को हम यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है ना, जो दिया हुआ है उसी को यूज करके हम आगे बढ़ रहे हैं। तो मैं ए इनवर्स डॉट ए डॉट बी इज इक्वल टू जीरो लिख सकता हूँ ऐसा, क्योंकि ये तो ए डॉट जीरो इज इक्वल टू जीरो फॉर ऑल ए बिलोंगिंग टू आर एवं एसोसिएटिविटी सहचर्यता। क्लियर है ये लाइन? और ए इनवर्स डॉट ए मीन्स 1 डॉट बी इज इक्वल टू 0 सेकंड से, और दिस इंप्लाइज बी इज इक्वल टू 0। क्लियर है ये लाइन? इसी प्रकार से
यदि b इज नॉट इक्वल टू जीरो तो a डॉट b इज इक्वल टू जीरो इंप्लाइज a इक्वल टू जीरो. जब b जीरो नहीं है तो b का इनवर्स होगा, और b का इनवर्स इधर लगा दूं, इधर लगा दूंगा b इनवर्स, तो b इनवर्स 1 हो जाएगा और a डॉट 1 इज इक्वल टू जीरो, यानी a बराबर 0 आ जाएगा. सेम लाइंस पर हम लिख सकते हैं, इसलिए रिपीट करने की जरूरत नहीं, परीक्षा में भी आप डायरेक्ट लिख सकते हैं. अतः पहली बात हो गई a डॉट b इक्वल टू जीरो इंप्लाइज या तो a इक्वल टू जीरो या b इक्वल टू जीरो, और देयरफॉर r क्या है, शून्य के भाजक रहे. मैंने इस थ्योरम को इसलिए उठाया था कि ये कंफ्यूजन दूर हो जाए. जो परीक्षा में बच्चे लिखते लिखते ना वो इसको और इसको कई थ्योरम्स को मिक्स कर देते हैं तो फिर परेशानी हो जाती है. क्लियर है कन्फ्यूजन, दोनों में क्लियर हो गया, ठीक है ना, किस ढंग से लिखा है यहाँ और यहाँ किस ढंग से लिखा है. क्लियर है, इसका विलोम सत्य नहीं है. जो चीज़ सत्य नहीं है वो एक उदाहरण से स्पष्ट करनी होगी. कल मैंने उदाहरण लिखा भी था कि पूर्णांकों का जो समुच्चय है वो इंटीग्रल डोमेन है लेकिन वो क्षेत्र नहीं है, क्योंकि इनवर्स विद्यमान नहीं है. दो का प्रतिलोम गुणा के लिए 1/2 होता है. वही बात मैं लिख देता हूँ. विलोम सत्य नहीं है. फॉर एग्जाम्पल i प्लस डॉट a इंटीग्रल डोमेन है, पूर्णांकीय प्रांत है लेकिन क्षेत्र नहीं है. लेकिन क्षेत्र नहीं है क्यों? क्योंकि दो विलोम्स को i तो 2 × 1/2 = 1 × 1/2 × 2 तो 1/2 does not belongs to I, अर्थात 2 belongs to I का I में गुणन के लिए प्रतिलोम विद्यमान नहीं. Hence proved.